हेलो वेलकम बैक एंड दिस इज वीडियो कोर्स एंड बी हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे और आई वुड से द लर्निंग मॉड्यूल दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज रेट्स एंड रिटर्न इस पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल को हम पांच पार्ट्स में कवर करने वाले हैं एंड इन एवरी पार्ट यू विल सी वन लर्निंग मॉड्यूल और लर्निंग आउटकम दैट हैज बीन कंप्लीटेड सो बेसिकली पांच पार्ट्स में आप अभी देख पाओगे और अगर आप इस uh, वीडियो को अपने पे देख रहे हो तो आपको लाइन से पांच पार्ट्स नजर आएंगे ये सारे पांचों पार्ट्स को कंप्लीट करने पे आप समझ लीजिए आपका रेट्स एंड रिटर्न्स का पूरा पूरा लर्निंग मॉड्यूल हो जाएगा बट ज्यादातर केसेस में ओनली वन लर्निंग आउटकम विल बी कवर्ड सेपरेट वीडियो सो दैट इज गोइंग टू ऑफ प्रेपेटरी स्टफ एंड ऐसे में uh, so मेरे ख्याल से आपको भी बड़ा फायदा होगा so let's get started we'll start with a focused attitude and let's get started with this learning outcome so the learning outcome that we are going to start right now is interest rates or or i would say defining interest rates or interpreting inter interest rates as required rates of return discount rate or opportunity cost and we also need to explain interest rate as a sum of real risk free rate and premiums that compensate investors for bearing distinctive risk so basically

दिट इज वेरी वेरी सिंपल आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं देन यू डेफिनेटली हैव समथिंग इन योर माइंड आपके माइंड में होता है कि मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं देन दे आर ऑफ द ओपिनियन कि पंद्रह परसेंट तो अपने को चाहिए सो इफ यू आर रिक्वायरिंग 15 परसेंट फ्राम अ म्यूचुअल फंड दैट इट सेल्फ दट रेट इट सेल्फ बिकम्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न So, ऐसे में जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को इवेल्युएट करेंगे यू वुड बी वांटिंग टू नो कि क्या ये 15 में वो कमा के देगा कि नहीं देगा अगर आपको ऐसा लगता है कि किसेंट देगा तो हां बोलो नहीं देगा तो ना बोलो सो बेसिकली योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बिकम्स बेंच मार्क जिसको देख करके आप ये डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन अर्टिकुलर स्कीम और नॉट

पैसे जो आज मिलते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है एंड पैसे जो फ्यूचर में मिल रहे हैं उनकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है सो बेसिकली फ्यूचर में कैशलोज जो होते हैं वो आज के दिन भी अगर आप उसकी वैल्यू देखोगे देन द वैल्यू विल डिमिनिश एंड इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल तो हाउ डू वी फाइंड आउट की व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द टू थाउजेंड रुपीज दैट वी माइट रिसीव आफ्टर टेन ईयर तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग एंड डिस्काउंट रेट इज दैट इंटरेस्ट रेट दैट इज यूज टू डू दिस डिस्काउंटिंग सो बेसिकली ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आज के दिन हम ये पता करना चाह रहे हैं कि जो दो रुपए हमें मिलने वाले दस साल बाद उसकी वैल्यू आज के दिन कितनी है यानी भी कहा जा सकता है कि दो हजार रुपए से हम उस दिन जो भी खरीद पा रहे होंगे वो आज के दिन किस दाम पे मिल रहा है करेक्ट सो दैट वी कैन फाइंड आउट और ये बहुत ईजी है समझना आप देखो इतनी कहानियां हम कहानी सुनी है कि आज जो चीजें पांच रुपए में मिल रही है आज से दस साल बाद शायद दो में मिल रही होंगी यू हर्ड थिंग्स लाइक दैट करेक्ट तो यहाँ पे फाइव हंड्रेड क्या है प्रेजेंट वैल्यू वो टू थाउजेंड गया है फ्यूचर वैल्यू और इन दोनों के बीच की जो कंप्यूटेशन है उसको करने के लिए आपको एक रेट चाहिए एक इंटरेस्ट रेट चाहिए और उसी को हम कहते हैं डिस्काउंट रेट

और आपने अपनी एक बैंक में की हुई को तोड़ा है तोड़ा मतलब उसको किया है, द मनी यू सेक्रीफाइस इंटरेस्ट रेट जो कि आपको बढ़िया से मिल रहा था बैंक के अंदर में, एग्जाम्पल बैंक एफ डी वॉज गिविंग यू सेवन परसेंट सो अगर आप उस एफडी को तोड़ देते हैं और वो कैश अपने हाथ में रखते हैं सो डोंट ट्रीट दिस कैश एस की फ्री में मिला है मुझे ये फ्री नहीं है यू आर मिसिंग आउट ऑन एन इंटरेस्ट ऑफ यू आर गेटिंग इन एंड दैट टेक्निकली बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सो देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट को तीन अलग अलग स्टाइल में बोला जा सकता है योर रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू दैट बिकम्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हेन यू आर डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोस दैट बिकम्स डिस्काउंट रेट एंड थर्ड अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी कहीं से फॉरगो कर रहे हैं देन दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट

वो अलग अलग कॉम्पोनेट्स के हैं वो एक एक करके आपके सामने लिस्टेड है इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता हैल बैंक मोस्ट केसेस में यह सेंट्रल बैंक से डिसाइडेड होता है सेंट्रल बैंक इसको रियल क्यों कहता है उसका कारण है सेंट्रल बैंक इसको रियल इसलिए कहता है बिकॉज इसमें इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूं आपको कि अगर किसी देश में आपको टू परसेंट रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है करेक्ट प्लस आपको साथ में इन्फ्लेशन जितना होगा उतना रिटर्न भी मिल रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा एक्चुअली में रियल बेसिस में आपको टू परसेंट रिटर्न ही मिल रहा है थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि आपको एफडी में मिलता है सेवन परसेंट एग्जाम्पल के तौर पर इन इन्फ्लेशन इंडिया में फाइव परसेंट है तो भाई एफ डी में आपको मिल रहा है सेवन परसेंट एंड फाइव परसेंट यू आर गेटिंग इन इन्फ्लेशन और फाइव परसेंट बिलोंग्स टू इन्फ्लेशन तो आपको नेट डेट ना सिर्फ टू परसेंट रिटर्न ही मिल रहा है नाउ व्हाट इज दिस टू परसेंट दिस इज द रियल रिस्क फ्री रिटर्न ठीक है रिस्क फ्री तो कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे बट यस दिस इज रियल रियल रिटर्न 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 वो return होता है जिसमें इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन अकाउंटेड फॉर एंड इन्फ्लेशन को बेसिकली हमने साइड कर दिया है वट आर वी गेटिंग आफ्टर इन्फ्लेशन प्रीमियम इज अवर रियल रिस्क फ्री रेट अब आम तौर पे कई ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं जिसमें जो रिटर्न आपको मिल रहा है उसे हम रियल रिस्क रेट मान लेते हैं अब उसको रिस्क फ्री क्यों मान रहे हैं क्योंकि बैक है है, so कहते हैं तो उस पर जो भी रेट ऑफ रिटर्न ऑफर हो रहा होगा दैट बिकम्स रिस्क फ्री रेट एंड इफ इन्फ्लेशन प्रीमियम हैज नॉट येट बिन एडेड टू इट इट इज रियल लेकिन हम रियल पे ऑपरेट नहीं करते हैं. हम कभी भी कोई भी इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं इट इज ऑलवेज नॉमिनल इन नेचर आप बैंक में जब एफडी की बात करते हो तो बैंक वाला कभी आपको ऐसे नहीं समझाता है किसी फाइव परसेंट तो इन्फ्लेशन है, so like है, तो है, तो है और दो परसेंट मेरे को एक्स्ट्रा एक्चुअल में रिमाइंडर फाइवेंट इज इन्फ्लेशन प्रीमियम दैट बिकम्स माई सेकंड कॉम्पोन जब भी मैं कोई भी इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करूंगा उसमें रियल फ्री रेट तो होगा ही इसके अलावा इन्फ्लेशन प्रीमियम होगा नाउ एज सुन एज आई एड प्रीमियम टू माइ रियल रिस्क फ्री रेट अब यह नॉमिनल फ्री रेट बन गया है यस yes, इसका नाम मैं रख रहा हूं ये जो है फर्स्ट टू कॉम्पोनेट ये फर्स्ट टू कॉम्पोनेंट अब बन गए हैं नॉमिनल स्टिल रिस्क फ्री रेट यानी ये अभी भी रिस्क फ्री रेट है इसमें और कोई रिस्क शामिल नहीं है सिर्फ इसमें रियल रेट है च वॉज ऑलरेडी रिस्क फ्री इसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम भी एड हो गया विच इज बेसिकली गिविंग यू एक्स्ट्रा रिटर्न सो दैट यू कैन फेस इन्फ्लेशन ठीक है तो ये इन्फ्लेशन को फेस करने के लिए आपको रिटर्न मिल रहा है बट हमें सिर्फ इन्फ्लेशन की चिंता नहीं है हमें चिंता है अबाउट वेरियस अदर रिस्क एज वेल जो की कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो सकती है इसमें सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होती है डिफॉल्ट रिस्क देखो ऐसा एकदम भी जरूरी नहीं है कि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वो पैसे आपको वापस मिलेंगे ही You might invest in some scheme, और बाद में वो स्कीम के पैसे ही नहीं मिल रहे और यू माइट इनवेस्ट समय लेकिन उसके पैसे आपको टाइमली नहीं मिले इसमें मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं माई फैमिलीड इनपोरेट आई वु डिपोजिट और वो कॉर्पोरेट डिपोजिट ने डेढ़ साल पॉइंट फाइव इध पैसे वापस दिए थे नो दैट टेक्निकलीफॉल्ट उसको भी default कहते हैं, अगर आपको पैसे ना मिले या फिर टाइमली ना मिले सभी वुड लाइक टू गेट कॉम्पनसेटेड तो अगर आप मेरे से यह पूछो कि किसी ऐसी में पैसे लगा दो जिस कंपनी के डूबने के चांस है या फिर ऐसे चांस है कि वो कंपनी पैसे लौटाएगी नहीं तो ऑब्वियसली आई माई टू टेक द डिस नहीं लगाना है या फिर कई का बार बार वो रिस्क लेने के लिए हम रेडी हो जाते हैं बट फॉर दैट रिस्क वी नीड एक्स्ट्रा प्रीमियम सो ऐसा है कि कंपनी शायद देगी शायद नहीं देगी कोई बात नहीं आई एम रेडी टू स्टिल इन्वेस्ट इन दैट कंपनी प्रोवाइडेड आई गेट सर्टन थिंग्स एक्स्ट्रा करेक्ट वो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम यानी द रिस्क प्रीमियम दैट यू आर गेटिंग इन ऑर्डर और इन इन ल्यू ऑफ टेकिंग द डिफॉल्ट रिस्क

लेट मी एक्सप्लेन दैट किसी भी ऐसी सिक्योरिटी में जहां पे बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स नहीं है तो वहां पे क्या होता है इफ यू प्लेस अ बिग ऑर्डर इज अ गुड चांस दैट इट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड मतलब आप 100 शेयर्स किसी कंपनी का बेचना चाहते हैं पर कोई भी मार्केट में बायर ही नहीं है अगर ऐसा होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर पोजिशन यू विल नॉट बी एबल टू लिक्विडेट योर पोजिशन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी जिसके लिए कोई ही नहीं है, तो आपकी की कम होती जाएगी इस पर रियल एस्टेट का एग्जाम्पल ले लो आपने एक घर लिया दो करोड़ रुपए में लेकिन वो घर की कोई डिमांड ही नहीं है नो बट इज वॉन्टिंग टू बाई दैट हाउस तो वही दो करोड़ का घर आपको में भी लिस्ट कर ना तो दे गुड चांस कोई खरीदेगा नहीं

ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए या ये मेरी रिक्वायरमेंट में तो होगा क्यों क्योंकि स्टॉक्स के मुकाबले रियल एस्टेट इज वे मोर इन लिक्विड एंड फॉर दैट रीजन पीपल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट वुड वॉन्ट मोर प्रीमियम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट वर्सेज स्टॉक मार्केट नेक्स्ट इज मेचोरिटी रिस्क

ऐसा होगा ना मतलब कल देने से कोई इंटरेस्ट नहीं लेकिन 10 साल की बात होगी तो फिर मैं इंटरेस्ट लूंगा अगर वो 10 के जगह 20 साल कर देगा ना तो आप और भी ज्यादा इंटरेस्ट लोगे सो so बेसिकली बात यही है कि अगर आपको आपका पैसा बहुत ज्यादा टाइम बाद वापस मिलने वाला है देन यू वुड रिक्वायर मोर एंड मोर प्रीमियम फॉर वेटिंग दैट लॉन्ग तो ये होती है मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम व्हिच इज बेसिकली

क्या मेंशन किया हुआ है दैट यहां पे द रेट्स आर अ सिंगल पीरियड इंटरेस्ट रेट एंड नो इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट दिस रेट देन वी हैव इन्फ्लेशन प्रीमियम इन्फ्लेशन प्रीमियम गिव्स यू अ बैकिंग और गिव्स यू अ कवर अगेंस्ट द कमिंग इन्फ्लेशन तो आगे आने वाला इन्फ्लेशन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन आस्क फॉर एन इन्फ्लेशन प्रीमियम इसके अलावा डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम इफ यू आर ऑफ द बिलीव दैट आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिफॉल्ट हो सकता है दैट देयर इज अ चांस ऑफ रिस्क

वैसे पे एक बात लिखी है कि यूएस के टी बिल्स पे कोई लिक्विडिटी प्रीमियम एडेड नहीं होता ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यूएस के टी बिल्स की इतनी डिमांड है दैट उसका इश्यू आते ही वो पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा सो so, ऐसे में दैट इट मेक्स रियली नो सेंस कि उस पे कोई लिक्विडिटी प्रीमियम चार्ज किया जाए उसमें मिलेगा भी नहीं बिकॉज इट इज हाई लिक्विड नेक्स्ट अप इज लॉन्गर मेचोरिटी बॉन्ड्स की बात तो अगर आप एक ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करें जो कि ज्यादा लंबी अवधि का है ज्यादा लंबा मेच्योरिटी का है तो इन दैट केस यू शुड बी गेटिंग मोर रिटर्न इन कंपेरिजन टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स एंड दिस एक्स्ट्रा रिटर्न दैट यू आर गेटिंग इज बिकॉज ऑफ द मेचोरिटी रिस्क प्रीमियम सो so, ये दो ही बातें थी जो हमें इस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम में कवर करनी थी मैं फिर से रिपीट कर दूं इन द फर्स्ट हाफ वी लर्न अबाउट थ्री डिफरेंट वर्जन ऑफ इंटरेस्ट रेट जिसमें पहला था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दूसरा था अपना डिस्काउंट रेट और तीसरा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड देन वी ऑल्सो लर्न वॉट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट जिसमें पहला था रियल रिस्क फ्री रेट सेकेंड वॉज इन्फ्लेशन प्रीमियम थर्ड वन वॉज रिस्क प्रीमियम फोर्थ वन वॉज इन प्रीमियम एंड फाइनल वन वॉज मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम So yes, that was it for this learning outcome. I'll see you in the next one.